नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आज शुरू करेंगे BSc फाइनल की मैथ। तो देखिएगा, BSc फाइनल की मैथ में हमने तीन क्लासें लगा भी ली थी और मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर हमारी और क्लासें लगाओ। लेकिन मैं पहले बिजी था, जो एग्रीकल्चर का मेरे को जो सिलेबस कराना था उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत ही जल्दी जल्दी उनको कोर्स कंप्लीट करवाया, क्योंकि उनको 11 दिसंबर का एग्जाम होने को जा रहा है। तो उससे पहले मैंने उसको उचित कराना समझा, क्योंकि उसे उसके कैंडिडेट मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, उनके कमेंट भी आ रहे थे, आपसे ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन मैंने आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है, क्योंकि अब मैं क्या है, विनोद जी सर आपके जो हैं बुढ़ानिया सर, वो BSc सेकेंड ईयर को करवा रहे हैं और जस्ट ही उसके पास में अब जो टाइम निकल के आएगा उसके हिसाब से आपकी भी क्लासें लगानी शुरू कर देंगे वो। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जो तीन क्लासें मैंने लगाई थी। निम्न LPP को सिंप्लेक्स विधि से हम हल कर रहे थे और इसके हमने तीन क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए हैं और आपने वो क्लास देख भी ली है। अगर नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखिएगा, इसके बाद में ये क्लास आपको फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दें। अब मैं फ्री हूँ, ओनली फॉर आपके लिए ही क्लासेस लगा रहा हूँ और राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, तो इस पे मैंने वो क्लास लगाई है, वो देख लीजिएगा किसके हिसाब से पैटर्न रहेगा राजस्थान पुलिस का, तो वो क्लास भी आप देख लेना। क्योंकि आप अगर BSc फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, BSc फाइनल में हैं, तो राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी देख सकते हैं, आपकी एज शायद 18 वर्ष हो चुकी है। तो देखिएगा, ये हमारा मेथड रहेगा सिंप्लेक्स विधि से क्वेश्चन को हल करना, और जहां पर भी हमें मिनिमम मिले उसको हमें मैक्सिमम में चेंज करना ही होगा। ये है हमारा मिनिमम z = 5x1 + 2x2 और यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है, ये प्रतिबंध हमें ये दिया गया है, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, क्लास शुरू होने वाली है, सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दें। ये देखिएगा, और जो आपका क्लास का टाइम है वो शाम को 7 बजे रहेगा। पहले आती थी क्लास BSc एग्रीकल्चर की शाम को 7 बजे और अब आएगी आपकी क्लास शाम को 7 बजे। और जो सेकंड ईयर की क्लास रहेगी, BSc सेकंड ईयर की क्लास रहेगी, वो रहेगी सुबह 11 बजे रहेगी। इसके बाद में और क्लासेस का शेड्यूल होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी बता दूँ। तो देखिएगा, ये समस्या है, इसको हमें सिंप्लेक्स विधि से हल करना है। सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम में चेंज करना पड़ेगा। मैक्सिमम हम लिखेंगे z - मैक्सिमम बनाएंगे तो इस इक्वेशन को माइनस से गुणा करना पड़ेगा, -5x1 - 2x2। ये हमें प्रतिबंध निकाय दिया गया है, स्टेटमेंट हमें दिया गया है, तो यहाँ से इस पर चर्चा करेंगे। स्टेटमेंट पर चर्चा करेंगे तो 3x1 कितना दिया गया है, 3x1 प्लस में x2, ये इक्वल में 4 है, कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिएगा। एक बार x1 प्लस के x2, अगर ये बड़ा है, अगर ये 3 से बड़ा, ये चीज़ क्या है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो इसमें से x3 को लेस कर देंगे। क्या करेंगे, x3 को लेस कर देंगे, और यहाँ पे x1 है प्लस के 2x2 है, यहाँ पे क्या आएगा, 0x3 आएगा, यहाँ पर भी 0x3 आएगा, और यहाँ पे ये अगर छोटा है तो इसमें न्यूनतापूर्वक चर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, न्यूनतापूर्वक चर हम इसमें जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x4, तो यहाँ पर भी 0x4 और यहाँ पर भी क्या आएगा गाइस, 0x4 मान आ जाएगा, इतना मान आ गया। अब हमें क्या बनाना है, आई बनाना है, इकाई सदिश बनाना है, और 3 × 3 की इकाई सदिश बनाना है। हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो 0x5 और प्लस में 0x6 बन गया। यहाँ से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में हम चलते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ये था 0x4 और यहाँ पे क्या था 0x, हमने यहाँ पे लेस कर दिया, तो अब इस पर हम लिखेंगे x5, इसमें जोड़ देंगे और यहाँ पे रहेगा 0x5 और ये रहेगा x6 और यहाँ पे रहेगा 0x6, यहाँ पे आ जाएगा 4, 3, ये आ जाएगा 3। अब आपका ये स्टेटमेंट प्रतिबंध निकाय सॉल्व हो चुका है। क्या किया हमने, पहले ये चिन्ह अगर इक्वल वाला पहले दिखाई देता है तो इसको हम छोड़ देते हैं, पहले उस चिन्ह पे जाते हैं जो मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज, यहाँ पे ग्रेटर देन है या लेस देन है। अगर ये लेस देन है इधर तो इसमें ऐड करेंगे, ये अगर इधर ग्रेटर देन है, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन है, तो इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे कोई न कोई मान। तो ये इस प्रकार से सोल्व हो जाता है।
अब हमें इसकी क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करते हैं, गुणांक मैट्रिक, गुणांक मैट्रिक, कोफिशिएंट मैट्रिक, गुणांक मैट्रिक हमारे पास में ये प्राप्त हो जाती है। नीचे दिखाई तो दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है सर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और कर देते हैं, ये चलिएगा, दिखाई दे रहा है। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 3 1 0 0 1 0, ये आ गया, इतना मान आ गया। अब इसके बाद में 1 1 -1 0 0 1 आ गया। अब यहां से 1 2 0 1 0 0, ये यहां से क्या आ जाएगा, α1 α2 α3 α4 α5 और α6 प्राप्त हो जाएंगे। जो इकाई मैट्रिक्स बना है वो किसके किसके बीच में बना है, इकाई मैट्रिक्स मेरे को बता दीजिएगा। I3 यहां पे बना है, एक तो लिखूं मैं किसके बीच में, स्टार्टिंग में मैं लिखूं अल्फा किस पे, यहां से आएगा, ये लिख देता हूँ अल्फा, ये x6 है तो α6 आ जाएगा, एक तो एक यहाँ पे क्या है α4 है तो ये आ जाएगा, और एक अल्फा ये 5 है तो यहाँ से α4 α5 और α6 यहाँ से इकाई मैट्रिक्स बन गया है। अब हमें क्या बनाना है, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी तैयार करना है। तो प्रथम सिंप्लेक्स सारणी आप तैयार करोगे तो यहाँ से इसके हिसाब से तैयार कर लेना, भी अच्छे तरीके से शोर करना है क्वेश्चनों को। ये आपकी यहां से सारणी तैयार हो जाएगी, ये रहेगा आपका कॉलम सीजे का, ये मान रहेगा आपका बी का, ये रहेगा एक्स बी का, ये रहेगा सी बी का, यहां पे क्या आएगा x4, यहां पे आएगा x5, यहां से क्या आएगा x6, ये मान आ जाएंगे यहां से α4 α5 α6 से इकाई मैट्रिक्स बनी है। यहाँ पे बेस आधार इनका कितना है, 4 है, 3 है, ये भी 3 है x6 का, यहां से इसके हिसाब से लिखेंगे। अब इसका x4 का गुणांक यहां से लिखेंगे, y1 y2 y3 y4 y5, ये आ जाएगा y6 पे आ जाएगा। इसके गुणांक लिखते हैं सभी के, ये मान, ये हमने जेड मैक्सिमम नहीं लिखा ना, ये जेड मैक्सिमम नहीं लिखा ना, इसको भी लिखना है, जरूरी है ये। यहाँ पे हमारे पास में इसको हमने किस में चेंज किया था, मिनिमम था तो इसको हमने मैक्सिमम में चेंज किया ना, तो यहाँ से लिख लीजिएगा मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल टू -k x1 -k 2x2, ये मान आ जाएगा अपना, ये किसका मान आ जाएगा, 0x3 0x4, यहां से क्या आ जाएगा -k mx5, और ये आ जाएगा -k ms6, ये मान आ जाएगा। तो इसके गुणांक कितने हो जाएंगे, -k5 -k2 0 0, इसके बाद में -k m, और ये आ जाएगा -k m, और यहां पे आपको ये गुणांक मैट्रिक्स लिखना है, इसके जो भी कोफिशिएंट है वो लिखने हैं, 3 आ जाएगा, 1 0 0, यहां से आ जाएगा 1 0, इसके बाद में आ जाएगा 1 1 -k 1 0 0 1, इसके बाद में आ जाएगा 1 2 0 1 0 0, ये आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। और यहां से इसके गुणांक कितने हैं, भी x4 के गुणांक कितने हैं, 0 है, माइनस का m है, ये भी माइनस का m है। ये आपकी प्रथम सिंप्लेक्स सारणी तैयार हो जाती है। हाँ, जितने भी कैंडिडेट क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों, क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। यहां से आपकी इकाई मैट्रिक्स तैयार हो गई, ठीक है। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। यह आपकी सिंप्लेक्स सारणी तैयार हो जाती है, 3 1 0 0 1, यहां से आप इस, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या निकालना है, जड़जे माइनस सीजे निकालना है, हमें क्या निकालना है, जड़जे माइनस सीजे यहां से निकालना है। तो देखिएगा, जड़जे माइनस सीजे यहां से लिखूंगा ना, थोड़ा सा मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं यहां से, तो गाइज
यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, जेड जे माइनस सी जे का मान प्राप्त होगा, तो इसका मल्टीप्लाई करना है, ये सी बी का मान है ना, इस जीरो का मल्टीप्लाई तीन के साथ में करना है, माइनस एम का मल्टीप्लाई एक के साथ में करना है, माइनस एम का मल्टीप्लाई इस एक के साथ में करना है, और लेस करना है क्या सी जे, ये सी जे का आपको रो दिखाई दे रहा है, माइनस के पांच माइनस के दो जीरो जीरो माइनस के एम, और ये माइनस के एम, इस जीरो का मल्टीप्लाई तीन के साथ जीरो, माइनस एम और ये माइनस एम कितने हो गए माइनस के 2m, ये लेस करेंगे, माइनस पहले से है, एक माइनस यहां से आएगा, ये मान आता है जेड जे का कौन सा आता है, जीरो का मल्टीप्लाई तीन के साथ करेंगे, माइनस एम का मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे, माइनस एम का मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे, और इसको सभी को ऐड करेंगे तो ये हमें जेड जे का मान प्राप्त हो जाता है, और ये सी जे का मान हमारे पास में है, ये आ जाएगा प्लस के पांच, दिखाई दे रहा है सभी को। अब यहां से ये जीरो आ जाएगा, ये माइनस के एम, ये माइनस के कितने आ जाएंगे माइनस के थ्री एम, और ये आ जाएगा प्लस के टू, इसका मल्टीप्लाई होगा गाइस, माइनस और माइनस प्लस के एम आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस का एम आ जाएगा, यहां से देखेंगे ये जीरो, ये मान जीरो, ये जीरो, तो यहां पे आ जाएगा प्लस के एम, क्या आ जाएगा प्लस का एम आ जाएगा, यहां से क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, माइनस के एम है, माइनस के एम है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया है तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो, एक्स फोर वाला, ये मान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि इसको सुव्यवस्थित तरीके से हमको लिखना पड़ेगा, ये थोड़ी सी कोई बात नहीं, यहाँ से कटिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो इतना ही मान आएगा, हाँ ठीक है, ये भी मान सही है हमारा, क्योंकि आपको क्या लिखना है, जो पहले लिखा है आपने वो पहले आएगा, जो पहले लिखा है वो पहले आएगा, यहाँ से थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, हमारा क्या लिखा था, हमने पहले लिखा था x5, तो क्या आएगा x5 आएगा, फिर आएगा x6 और फिर आएगा x4, तो यहाँ से x5 x6 और x4 इस तरीके से कर लेना, तो इसके गुणांक कितने हैं माइनस का m, इसके गुणांक माइनस के m और इसका गुणांक जीरो है। अब इसका जेड जे माइनस सी जे निकालना है, क्योंकि इसको थोड़ा सा क्रम से हमें लिखना है, फर्स्ट रो में से x5 है, सेकेंड रो में से x6 है, और थर्ड रो में से क्या है हमारे पास में x4 है, जो 1 1 1 है ना, इसको हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो, कोई बात नहीं, x यानी अल्फा 5 अल्फा 6 और अल्फा 4 इस प्रकार से, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है, कितना आएगा 3m माइनस के कितने आएगा माइनस के आएगा 4m, और यहाँ पे कितना मान आ जाएगा माइनस के 4m, और ये हो जाएगा इसके साथ में जीरो, ये माइनस और माइनस प्लस के पाँच आ जाएंगे। इसी हिसाब से आगे नेक्स्ट करना है हमें, यहाँ पे x1 है या x2 है, अरे यार यहाँ पे 2 है भी, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे भी 2 आएगा, और क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, सही है ना, ठीक है, ये भी सही है, यहाँ पे 2 कर लेना और यहाँ पे 2 आएगा, तो सभी में 2 कर लेना यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 5 प्लस के 5 आ जाएगा, इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करना माइनस के एम, और ये भी माइनस का एम, माइनस के कितने आ जाएंगे 2m, और ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस के 2, इसके हिसाब से आगे करोगे आपका ये आ जाएगा, कितना मान आएगा ये आपका मान आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे एम, प्लस का एम आएगा भी, यहाँ पे लास्ट पे चलोगे तो जीरो, इस लास्ट पे चलोगे यहाँ से लेस करोगे जीरो, इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ में ये लेस करोगे तो जीरो, तो लास्ट के तीन क्या आएंगे जीरो, और हमें लास्ट में क्या निकालना है मिनिमम रेशो निकालना है, क्या निकालना है मिनिमम रेशो निकालना है, और मिनिमम रेशो यहाँ पे देखिएगा
अधिकतम ऋणात्मक संख्या कौन सी है। यहाँ पर हमें ZJ माइनस CJ निकाला है, ये हमें ZJ माइनस CJ निकाला है, यहाँ पे देखना है अधिकतम ऋणात्मक संख्या कौन सी है, तो ये है, तो ये तो हो जाएगा हमारा एंट्रिंग वेक्टर। और इसके सीध में जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, इसके सीध में जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है 3, 2, 1, इसका डिवाइड इस पे करना है, तो 4/3, 3/2, 3/1, और हमें मिनिमम रेशियो लेना है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4/3 का भाग देंगे तो 3 × 3 बच गया 1, 3 × 3 9, यानी 1.33 चलेगा। और यहाँ पे हमें देंगे 2 × 2 बच गया 1, 10, 5 × 2 = 10, और ये आ जाएगा कितना, 21 पे 1 का भाग देना है, अभी 1 का भाग देना, तो ये 3 आ जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है, 1.3 है, सबसे छोटा 1.3 है, तो ये तो डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा, x5, यानी इसकी सीध में कौन आ रहा है, x5 आ रहा है ना, इसकी सीध में देखो क्या आ रहा है, x5 आ रहा है, तो बाहर निकलने वाला डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा, x5 हो जाएगा। और हमारा ये क्रॉस करेगा ना दोनों, ये तो एंट्रिंग वेक्टर और ये डिपार्टिंग वेक्टर, यहाँ से देखिएगा ये इसको डब्बे में बंद कर देंगे, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा की एलिमेंट। तो यहाँ से एंट्रिंग वेक्टर हमारे पास में हो जाएगा α1, डिपार्टिंग वेक्टर हमारे पास में हो जाएगा α5, और की एलिमेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा गाइस, की एलिमेंट हमारे पास में ये प्राप्त होगा, कौन सा है, की एलिमेंट 3 है, ये हमें की एलिमेंट प्राप्त हो जाता है। तो एंट्रिंग वेक्टर हमारा α1, डिपार्टिंग वेक्टर α5, की एलिमेंट हमारा आ गया 3। अब हमें क्या करना है, द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी तैयार करनी है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें अब इसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी बनाते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हमें यहाँ पे 2 नहीं लिखा था, इसके हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। और यहाँ पे जो मैंने आपको मान बताए क्रम से यहाँ पे लेने, मैंने क्या ले लिया था स्टार्टिंग में, जल्दबाजी में यहाँ से x4 कर दिया था, x4 को पहले इस तरीके से, लेकिन क्रम से जो रो पहले है वहाँ पे क्रम से इसको थोड़ा सा लिखना है। तो क्रम का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सही लिखना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ पे मैं आपको द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी तैयार करवाता हूँ, और ये क्वेश्चन हमारा जब फिनिश हो जाएगा, जब हमें क्या प्राप्त होगा, ZJ माइनस CJ का मान इज इक्वल 0 या ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो जाएगा। इस पे आगे एक विधि और भी आएगी, वो क्या आएगी, 2-फेज मेथड, वो आपके यहाँ पे लगता नहीं है, वो आपको MSc में जाके देखना पड़ेगा वहां पे। ये देखिएगा द्वितीय सिंप्लेक्स, ये है फर्स्ट सिंप्लेक्स सारणी, ये है द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी, ये तैयार करते हैं यहां से, इसको बाद में रफ कर देंगे, कोई बात नहीं। इधर तो दिख रहा है ना सभी को, सर दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है, यहां से देख लीजिएगा एक बार, ये चलेगा इधर, ये भी चलेगा इधर, ये है CJ का मान, ये है B का मान, ये है XB का मान, ये है CB का मान, ये किसका है, CB का मान है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एंट्रिंग वेक्टर कौन सा आया था, x1 आया था, डिपार्टिंग वेक्टर x5 बाहर निकल जाएगा, x6 है, x4 है, इसका गुणांक तो 0 है, इसका -1 है, और x1 का गुणांक देख लीजिएगा यहाँ से कितना है, -5 है, और बेस अब की बार में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आधार अब की बार में चेंज होगा। तो देखिएगा यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ना, अच्छा रहेगा, अब देखिएगा हमें द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि अगर द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी बनानी आ गई ना, फिर ये क्वेश्चन सभी सोल्व हो जाएंगे। और एक वो चिन्ह वाला सिस्टम है ना, कौन से चिन्ह में क्या लगाते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है आपको। अब हमें की एलिमेंट आ गया, ये
इस की एलिमेंट, ये की एलिमेंट जिस रो में आया है उस पूरी रो में से जो की एलिमेंट का डिवाइड करेंगे, इसी की एलिमेंट का इसी रो पे डिवाइड करेंगे और ये ही हमें क्या रो प्राप्त हो जाएगी दूसरी सारणी में। तो ये दूसरी सिंप्लेक्स सारणी है, यहाँ पे हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3, एक बटे तीन, ये है वाई वन, ये है वाई टू, ये है वाई थ्री, ये है वाई फोर, ये है वाई सिक्स, क्योंकि वाई फाइव डिपार्टिंग वेक्टर हो गया, बाहर निकल गया। 1/3 ये हो जाएगा वाई थ्री का मान 0, वाई फोर का मान 0, वाई फाइव है ही नहीं, वाई सिक्स का मान भी 0। अब हमें क्या करना है, जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट जिस स्तंभ में, जिस कॉलम में हमें प्राप्त हुआ है उससे ऊपर नीचे क्या है, हमारे जितने भी अंक हैं वहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, 0 और 0 ही लिखना होता है हमेशा, और हमेशा ही 0 प्राप्त होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैं कैलकुलेशन करूँगा तभी भी बता दूँ आपको कि किस तरीके से 0 होता है। अब जो की एलिमेंट है उससे नीचे वाली रो हमें प्राप्त करनी है, तो ये हमें यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, ये हमें यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, इस 2 का मल्टीप्लाई इस दूसरी सिंप्लेक्स सारणी के प्रथम रो से गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद में इस रो से घटाएंगे, तो हमें क्या है, द्वितीय रो प्राप्त हो जाएगी। तो अब यहाँ से ये थोड़ा सा रफ काम है ना, ये साइड में कर लेते हैं, इस 2 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3, क्या हो जाएगा 8/3, 2/3, सॉरी 2/3 नहीं आएगा, पहले 2 आएगा ना, ये 2 है तो 2 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 0 0 0, ये मान प्राप्त हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इस रो में से ये रो घटानी है, तो यहाँ से 3 माइनस करेंगे, यहाँ से 2 माइनस करेंगे, यहाँ से 1 माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस का 1 माइनस करेंगे, और यहाँ से 0 है, और ये भी मान किसका है, x5 का हमें लेना नहीं है, इसको थोड़ा सा भूल जाना है, याद रखना भी ये बीच की वैल्यू है, कई बार इसमें भी हम डाउट हो जाते हैं, कई बार इसके गुणांक लिख देते हैं, तो ये हमें लिखने नहीं है। और x6 का कितना है, यहाँ पर x6 का कितना है, 1 है, तो ये देख लीजिएगा, इसमें से ये लेस करना है, ये आपका रफ का काम चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से 3 3 9 माइनस 8, यानी 1/3 कितना मान आ जाएगा, 1/3, और मैंने ये 0 0 करवाए, 2 माइनस 2 0, यहाँ से देखिएगा 3 1 3 माइनस 2 1/2, क्या 1/3 1/3, यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से 0, यहाँ से 1 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी रो प्राप्त करने के लिए जो आपको 1 दिखाई दे रहा है ना, इस 1 का गुणा सेम इसी इक्वेशन से करते हैं और ये इससे लेस कर देते हैं, इससे घटा देते हैं। तो देखना है गाइस क्या प्रोसेस रहेगी हमारी, यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ, इस 1 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ करना है, जो इक्वेशन है वो लिखना है आपको, कोई बात नहीं, 0 0 0। अब इसके बाद में से इससे लेस करना है, माइनस के 3 माइनस, 1 माइनस, 2 माइनस, 2 माइनस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 2 माइनस, 1 माइनस, 2 माइनस, 0 माइनस, 1 माइनस, 0 माइनस। अब ये मान आपको लिखना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 3 9 माइनस 4 5/3, 1 माइनस 1 0, 3 2 6 माइनस 1 5/3, यहाँ से 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0, ये आपके पास में द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी तैयार हो जाती है, द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी तैयार हो जाती है। यहाँ से जड़जे माइनस सीजे इस का मान निकालना है, ये रहेगा हमारे पास में गुणांक है, माइनस के 5 माइनस के 2 0 0, ये बाहर निकल गया, ये है माइनस के। अब हमें यही प्रोसेस रहेगी, जड़जे माइनस सीजे निकालना है, माइनस 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है, माइनस के 5 इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0, माइनस के 5 और ये 5,
ये जीरो का जीरो के साथ जीरो ही होगा, माइनस के पाँच और ये पाँच माइनस के हैं और एक चिन्ह आएगा तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये मान आपका कितना हो जाएगा जीरो। माइनस पाँच बटे तीन, जी कितना आ जाएगा माइनस के पाँच बटे तीन, इसका मल्टीप्लाई माइनस के एम बटे तीन और ये करना है माइनस के दो और यहाँ से हो जाएगा प्लस के दो, तो इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा तीन, यहाँ से माइनस के पाँच माइनस के एम प्लस के छः, तो यहाँ से हो जाएगा कितना मान माइनस के एम प्लस का वन बटे तीन, ये मान आपका आ जाएगा माइनस के एम प्लस का वन बटे तीन, ये मान देखिएगा जीरो, ये माइनस माइनस प्लस के एम हो जाएंगे, ये मान जीरो, ये मान जीरो, ये भी मान जीरो, ये जीरो आ जाएगा, ये मान देखिए जीरो माइनस जीरो एम माइनस एम जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास में यहाँ पे वापस माइनस में वैल्यू आ गई, तो सबसे बड़ी सबसे अधिकतम माइनस में वैल्यू ये है, तो एंट्रिंग वेक्टर क्या हो जाएगा अल्फा टू यानी एक्स टू हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब मिनिमम रेशो निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मिनिमम रेशो निकालेंगे, तो मिनिमम रेशो इसके सीध वाले में से इसका भाग देंगे तो चार बटे तीन में एक बड़ा तीन का भाग चार आएगा, एक बटे तीन में एक बड़ा तीन का भाग एक आएगा, पाँच बटे तीन में पाँच बड़ा तीन का भाग एक आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी कंडीशन रहेगी। हाँ, जितने भी कैंडिडेट क्लास को देख रहे हैं क्लास को शेयर जरूर करें। अब अपनी मर्जी है यहाँ से हमें कौन सा निकालना है, यहाँ से हमारी यहाँ पे मर्जी रहेगी भी हमें कौन सी वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो देखिएगा या एक्स फोर को निकालना है क्वेश्चन को जल्दी फिनिश करने के लिए, क्वेश्चन को जल्दी फिनिश करने के लिए हमें एम को लुप्त करना होता है, एम को यहाँ से लुप्त करना होता है, एम को यहाँ से भगाना होता है, तो हम क्या करेंगे, ये भी एक आ गया ये भी एक आ गया तो एम को ही भगाएंगे एम को ही लुप्त करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसकी सीध से ये कौन सा आएगा मान एक्स सिक्स आएगा और एक्स सिक्स क्या हो जाएगा डिपार्टिंग वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ से की एलिमेंट कितना आएगा एक बटे तीन हमारे पास में की एलिमेंट आएगा, तो एंट्रिंग वेक्टर हमारे पास में अल्फा टू, डिपार्टिंग वैक्टर कितना हो जाएगा, ये तो प्रवेशी ये निष्कासी हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा सिक्स और की एलिमेंट एक बटे तीन हमारे पास में की एलिमेंट आ जाएगा। तो ये हमारी द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी तैयार हो जाती है। अब इससे हम तीसरी सिंप्लेक्स सारणी तैयार करेंगे, वो देखना किस प्रकार से करेंगे, आप इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप मिनिमम रेशो निकालते हैं, चलो कोई बात नहीं सेम राशि आ जाती है, तो हमारी मर्जी है हमें एम को लुप्त करना है, अगर एम दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं एम को लुप्त कर देते हैं, या हम किसी को भी लुप्त कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे अगर जीरो दिखाई दे तो जीरो को ले लेना, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस की वैल्यू आ जाए ना तो माइनस की वैल्यू नहीं लेना है, अगर यहाँ पे अनंत की वैल्यू आ जाए तो भी नहीं लेना है, अनंत और माइनस को छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हो मिनिमम में, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है अनंत नहीं लेना है और न ही माइनस की वैल्यू को लेना है। अब ये थी सेकेंड, अब हम निकालेंगे थर्ड सिंप्लेक्स सारणी, इससे तैयार करेंगे। साथ के साथ में आप नोट करते रहें भाई, अच्छी यूनिट है, अच्छे से क्वेश्चन आएंगे इससे, यहाँ से आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये सेकंड रो बनेगी, यहाँ से फर्स्ट रो बनेगी, ये कॉलम बनेगा आपका सीजे का, पहले सीजे की रो बनेगी, ये बी का कॉलम बन जाएगा, ये एक्स भी बन जाएगा, ये सी भी बन जाएगा, यहाँ से जड़ जे माइनस सी जे, यहाँ से हमारे पास में है माइनस के पाँच माइनस के दो जीरो और ये जीरो, यहाँ हमारे पास में वाई वन वाई टू वाई थ्री और वाई फोर के मान प्राप्त होते हैं।
यहां से देखिएगा तीसरी रो हमें प्राप्त करनी, यहां पर हम क्या लिखेंगे x1, यहां पे x2, परवेशी सदिश कौन सा था, इंटरिंग वेक्टर था अल्फा 2, तो यहां से x2 आ जाएगा और ये है x4, यहां से x4, इसके गुणांक कितने हैं माइनस के 5, इसके गुणांक माइनस के 2 और इसके गुणांक 0। अब हमें ये की एलिमेंट किस में प्राप्त हुआ है, सेकंड रो में प्राप्त हुआ है, तो हमें यहां पर सेकंड रो स्टार्टिंग में प्राप्त हो जाएगी और की एलिमेंट का इसी रो में ही भाग देना होता है, तो इस पे भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा एक, इसका इस पे भाग देंगे तो एक तो आएगा। इसी प्रकार से ये देखो माइनस के एक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस के तीन हो जाएंगे ना, ये माइनस के तीन हो जाएंगे, एक्स सिक्स को निकाला है ना यहाँ से, तो ये भी मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये तीन ऊपर जाएंगे तो तीन जीरो के गुणा में हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके जो ऊपर नीचे है की एलिमेंट के वो क्या हो जाएंगे जीरो जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ आप बगैर निकाले ही जीरो जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें ऊपर एक बटे तीन दिया गया है, इसका मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के साथ में करना है, इस रो के साथ में करना है, फिर इस रो से घटाना है, तो मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सभी को, तो इस के साथ करना है एक बटे तीन का मल्टीप्लाई इसके साथ में, एक बटे तीन जीरो, एक बटे तीन यहां से देखिएगा एक बटे तीन का यहां से क्या करेंगे डिवाइड कर रहे हैं ना, हाँ डिवाइड कर रहे हैं एक बटे तीन का, पूरी इक्वेशन पे भाग दे रहे हैं, तो भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एक बटे तीन नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में तीन, क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा, यहां से जीरो, यहां से तीन, ये ऊपर जाएगा, यहां पे ऊपर जाएगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे नौ और ये हो जाएगा जीरो। पूरी इक्वेशन के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं या भाग करते हैं, देखना भी मल्टीप्लाई करते हैं भाग नहीं करते, अरे यार वायर को इधर कर दे, तो हमें क्या करना है इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, एक बटे तीन जीरो, एक बटे तीन, तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक ये जीरो, अब इसमें से लेस करेंगे चार बटे तीन माइनस के आ जाएंगे, एक माइनस का आ जाएगा, एक बटे तीन माइनस का आ जाएगा, यहाँ से जीरो माइनस का आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी जो माइनस की है, और यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स फोर वाला है ना, ये भी जीरो माइनस जीरो आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, तीन एलसीएम आ गया, चार माइनस एक तीन, क्या है एक, ये जीरो आ गया, एक बटे तीन माइनस एक बटे तीन, ये एक आ जाता है, ये जीरो आ जाता है। इसी तरीके से हमें तीसरी रो प्राप्त करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, तीसरी रो अगर प्राप्त करनी है तो ये मान हमारे पास में हो जाएगा जो नीचे दिखाई दे रहा है पांच बटे तीन, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, जो स्टार्टिंग में हमने रो प्राप्त किया उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है पांच बटे तीन का, पांच बटे तीन जीरो, पांच बटे तीन माइनस के पांच और ये जीरो, अब यहां से ये घटाना है, पांच बटे तीन माइनस के हैं, जीरो माइनस के हैं, यहां से पांच बटे तीन माइनस के हैं, ये जीरो है, ये प्लस का हो जाएगा और ये एक माइनस हो जाएगा। अब ये मान भी जीरो, ये मान भी जीरो, ये मान भी जीरो, ये पांच, ये एक। अब हमें क्या निकालना है गाइस, जेड जे माइनस सी जे निकालना है, जेड जे माइनस सी जे निकालना है, तो यहां से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में माइनस के पांच, ये प्लस के पांच जीरो, यहां पर देखिएगा माइनस के पांच, ठीक है, यहां पे माइनस के दो प्लस के दो जीरो, यहां पे माइनस के पांच और यहां पे प्लस के छह, प्लस के छह हो जाएंगे तो प्लस का एक बचेगा, यहां से जीरो, यहां से जीरो, ये भी जीरो, यानी हमें क्या प्राप्त हो गया, जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, तो यहां पे हमें क्या प्राप्त होगा, अब इष्टतम हल प्राप्त होगा। तो यहां से आप फॉलो कर सकते हैं, x1 का मान कितना आया है तीन, x2 का मान कितना आया है वन, x4 आएगा, x4 का मान कितना आया है जीरो आया है,
तो हमें जो इक्वेशन स्टार्टिंग में दी गई थी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन से देख के, आप इसका एक बार क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं नीचे नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से ये यहाँ पे क्या था, तीसरी सिंप्लेक्स सारणी थी। क्वेश्चन क्या था हमारा, ये था भी मैक्सिमम में हमने चेंज किया था, तो मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स वन था क्या, और यहां पे क्या था माइनस के टू एक्स टू था क्या, टू एक्स टू था। अब हमें ये मान डिनोट करने दोनों के, यहां पर एक्स वन का मान कितना है, थ्री है क्या, एक्स वन का मान थ्री है, यहां से देख लीजिएगा x1 का मान कितना आया है, 3 आया है। यहाँ पे हमने डिवाइड किया था क्या, 3 आया था 4/3 में से, यहाँ पे इस पर मल्टीप्लाई किया था हमने, ये भी क्या है सही है क्या, 1/3 सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/3 का इसके साथ में मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर भी 0 आया है, ठीक है। यहाँ से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये 3 है ये क्यों आया, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यानी 1/4 है यहाँ पर, और इस 1/3 का मल्टीप्लाई किसके साथ में किया था, 1/3 यहाँ से 1/3, तो यहाँ से क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है सही है। और x3 का मान हमारे पास में 3 आ गया, तो मैक्सिमाइज जेड डैश का मान माइनस के 5 3 माइनस के 2 1 ये मान आ जाता है, तो माइनस के 15 माइनस के 2 माइनस के 17 मान आते हैं, और मिनिमम जेड इज इक्वल टू प्लस के 17 आएंगे। तो मैक्सिमाइज कितना मान आएगा, माइनस के 17 जेड डैश इज इक्वल टू, और मिनिमाइज कितना आएगा आपका, इष्टतम हल आपका हो जाएगा 17। तो सही है गाइस, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दबाजी में कहीं पे गलती मत कर देना, क्वेश्चन को आपको आराम से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट करना है पहले, इसके बाद में जो कैलकुलेशन है ना माइनस प्लस वाली, ये थोड़ी सी एक सिंप्लेक्स सारणी हमें तैयार हो जाती है। और जो स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा मिसप्रिंट किया था क्वेश्चन में कि वो क्या है अल्फा 4 को मैंने पहले लिख दिया था, लेकिन जो रो होती है ना उसके हिसाब से लिखना होता है। जो रो पहले है उसमें हमने लिखा था x5, सेकेंड में लिखा था x6, और लास्ट में जो रो थी 3 नंबर उसमें हमने लिखा था x4। तो क्या है x4 को बाद में लेके आना है, जहां पर है यहां पे लिखना है x5 x6 और x4, इसके हिसाब से यहां पे नोट करना है। और एक सिंप्लेक्स से दूसरी सिंप्लेक्स बनाते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं वो आपको लास्ट पेज में करना है अच्छे तरीके से। यहां पे जो और जो की एलिमेंट प्राप्त होता है, तो जो जिस कॉलम में प्राप्त होता है उस कॉलम में की एलिमेंट को छोड़कर अनदर जो बच गए वैल्यू वो क्या होती है, हमेशा 0 होती है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और जहां पर भी जेड जे माइनस सी जे का मान इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, इक्वल 0 आ जाए, वहां हमारे इष्टतम हल प्राप्त होंगे। और ये मिनिमम रेशो वाली बात है, यहाँ पे अनंत को नहीं लेना, माइनस को नहीं लेना, और जो सेम राशि आ जाती है, कई बार ये क्वेश्चन में आया था वो, तो हमें एम को बाहर निकालना है स्टार्ट में, अगर यहाँ पे एम नहीं है तो हम किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है गाइज। तो चलते हैं आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी घंटी को दबा लें। जो सेकंड ईयर की क्लासें लग रही है उसका टाइम है 11 बजे, और जो आपकी क्लास फाइनल की क्लास लग रही है वो है शाम को 7 बजे। तो डेली आपको आना है, क्लास लाइव चलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।